My name is Hardik Rathod and my profession is I'm studying in commerce. So my question is, I'm not clear with the concept of Makkah. That every person says that Makkah is in the center of the world. I'm not yet clear with the, this concept. I keep on asking with my friends that what actually Makkah is. But no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is? भाई साहब का सवाल है कि मैं अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है. मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का जमीन के सेंटर में है, महवर में है. मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज है. भाई साहब, मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि मक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई वो है मक्का. और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है और मक्का को कहा गया दारुल अमन. और जहां तक के सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट की तरफ है अमेरिका, ईस्ट की तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो इस सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में. तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज इन द सेंटर, मतलब महवर है. सो दैट इज वन ऑफ द मीनिंग्स. बट रियल है क्या वो दारुल अमन है और वो अमन की जगह है और वो पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई, अल्लाह सुभान व तआला फरमाते कुरान मजीद में. I see the people's means like the bhakt of Allah, they pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी. कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए. जहां तक ये सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है. तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज. तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. माइक नंबर 1 से सवाल भाई. माय नेम इज अभिनव कुमार एंड आई एम अ मार्केटिंग मैनेजर. आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स अस एंड इफ गॉड इज वन देन व्हाई ही स्टार्टेड विद सो मेनी रिलीजन्स एंड कमिंग टू पॉइंट एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग इट्सेल्फ इन पास्ट नाउ सेइंग दैट ऑल दिस थिंग्स व्हिच आर इन पास्ट लाइक You have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything. They are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam. And why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures. भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया. दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मजाहब क्यों बनाए, why so many religions. और तीसरा सवाल खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, भगवद गीता में फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है.
तीन सवाल बराबर। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, इसके ऊपर पूरी तकरीर किया हूं मैं, पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी डेढ़ दो घंटे की, सवाल जो आपके साथ तीन साढ़े तीन घंटे की, वक्त नहीं है लेकिन मेन पॉइंट कहूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुभाना व ताला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, तो टेस्ट विच ऑफ यू इज गुड इन डीड्स। अल्लाह सुभाना व ताला के कई मखलूकात है, सबसे बेहतरीन मखलूक है इंसान, बाकी जितने मखलूकात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुबहाना व ताला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान है उनको इजाजत दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज गिवन अस द फ्री विल, फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो नहीं मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुबहाना व ताला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, ये लिखा गया कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोजख में जाएंगे। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर, ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते हैं, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। आप मेडिकल कॉलेज क्यों जाते हैं, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुभाना व ताला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को, फ्रॉम द लॉइंस ऑफ एडम, खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सबने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुभाना व ताला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग ये पत्थर पहाड़ जानवर ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, लाइक फरिश्ते, फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते, लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम यहां पर, हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना जरूरी है। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर, ये जो जिंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। आपका सवाल नंबर 2 कि अल्लाह ने मुख्तलिफ मजाहब क्यों बनाए, अल्लाह ने सिर्फ एक ही मजहब बनाया, एक ही दीन, जिसका नाम कुरान में है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्नद्दीन इंदल्लाह इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम, सिर्फ एक ही दीन जो अल्लाह के नजदीक सही है वो इस्लाम। इस्लाम के मानी है अमन, पीस, इस्लाम के मानी है टू सबमिट योर विल टू गॉड, खुद अपने ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सुल्तान जाकिर, इस्लाम मतलब अल्लाह के अहकामात पे अमल करना और अमन हासिल करना। तो जितने पैगंबर आए सिर्फ इस्लाम सिखाए, मजहब एक ही है लेकिन मजहब का पैगाम बदला गया, जिस तरीके से जो पहले भाई साहब के सवाल में मैंने जवाब दिया था कि सारे पैगंबर का अहम पैगाम था कि खुदा एक है, सिर्फ उसकी इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बाकी चीज में लिटिल बिट डिफरेंस होगा बट द बेसिक मैसेज वॉज द सेम, बेसिक जो पैगाम था एक खुदा, सिर्फ उसकी इबादत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, बुत परस्ती गलत है, और इस
ईश्वर के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्योंकि वक्त जाने के वजह से जो पैगाम जो दिया गया था वो बदलता गया, जैसे मैंने कहा। तो जितनी मजहबी किताबें जो कुरान के पहले आए, कोई भी मजहबी किताब महफूज नहीं है। हिंदू स्कॉलर्स खुद कहते हैं कि द वेदास हैव बीन चेंज्ड। बाइबल स्कॉलर्स खुद कहते हैं बाइबल हैव बीन चेंज्ड। जितने मजहबी किताब के स्कॉलर्स कहते हैं कि उनकी मजहबी किताब में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दुश्मन इस्लाम है, अकॉर्डिंग टू विलियम मूर, जो एक इस्लाम का बहुत ग्रेट क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ बात करता, वो फिर भी कहता है, 200 साल पहले कहा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 1200 साल तक के महफूज है वो है कुरान। तो मजहब एक ही है, अल्लाह में मानना, उसकी इबादत करना, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही मजहब। हम लोगों ने उसके गलत डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए, तो मजहब एक ही था। आपका आखिर सवाल, इतने डिफरेंसेस क्यों पैदा किए? वो अल्लाह ने नहीं किए, इंसान ने किए। खुदा का सब मैसेज यकसा था, हम इंसानों ने उसे तब्दील किया, जैसा मैंने कहा ना, काय के लिए, फायदे के लिए। तो अभी हमें यह देखना है कि असल मजहब क्या है। और मैं आमतौर पर कहता हूं, जो मैं राय देता हूं, मैं सिर्फ एक तरफा राय नहीं देता हूं, कहते सिर्फ कुरान में मानो। मैं क्या कहता हूं, आप कम से कम एक बात पे मानो कि एक किताब 100% खुदा की है, ठीक है? यह मानने में किसी को गिला शिकवा नहीं होगा। हिंदू कहेगा वेद खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल खुदा की किताब है, मुसलमान कहेंगे कुरान खुदा की किताब है। फिर मैं ये कहता हूं कि जो सारी मजहबी किताबों में यकसानियत है, हम कम से कम उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ है उसे कल डिस्कस करेंगे, सही बात। जो यकसानियत है, फिर आप कह सकते ये तो वेद और कुरान में है, क्रिश्चियन कहेगा ये बाइबल और कुरान में, मुस्लिम कहेगा कुरान और बाइबल में, कुरान और वेद में। तो ये बात तो 100% खुदा की है, आप इस बात को तस्लीम करते क्या नहीं? जो चीज कॉमन है बाइबल वेद कुरान में, वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए। बाकी है क्या, बाद में डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इख्तिलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए, बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। इस तरीके से मैंने तकरीर की, हिंदू मजहब और इस्लाम में इंसानियत, ईसाई मजहब और इस्लाम में इंसानियत, और साबित किया कि बाइबल में लिखा है शराब हराम में, वेद में लिखा है शराब हराम में, कुरान में लिखा है शराब हराम में, तो शराब मत पियो। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, कुरान में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, क्यों नहीं हिजाब करते औरत? इस तरीके से आप हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, लिखे सोर का गोश्त खाना हराम है, विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 एंड 8, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 25 के सोर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, चार जगह लिखा है हम सूर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूं कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू।